हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपको सफ़ेद सी चीज़ दिख रही है, इसका नाम पीपो है। क्यूट है ना। चलिए आज इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए वाइट ले लीजिए और दो गोले बनाने की कोशिश करिए। वो पता है जो गोले गोले से नहीं दिख रहे हैं, पर इसे ना बने तो पूरी बना सकते हैं आप। पूरी भी ना बने तो जो आपको दिख रहा है वो बनाने का कोशिश करिए। उसके बाद लीजिए दो और गोले और उससे इनके पैर बनाने की कोशिश करिए। और पैरों पर मांस थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो थोड़े मांस को नोच लीजिए। उसके बाद A few moments later. करिए। वैसे इसमें से जितने भी टूल्स हैं एक भी काम नहीं कर रहा था, बट फिर भी दिखाने के लिए थोड़ा संभल के गर्दन न कट जाए। फिर इसके पहाड़ जैसे सिर पे दो गड्ढे बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि आपके गालों पे पड़ते हैं। मेरा मुंह साले निकल गया। ब्लैक क्ले से दो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाइए और इसके गड्ढों में फेंक के मारिए। अब दो व्हाइट क्ले से दो छोटी सी गोलियाँ बनाए और उसी तरह की चमक लाने की कोशिश करें जैसे आपको आपकी क्रश देखने के बाद आपकी आंखों में आता। इसके उजड़े चमन को चमनदार बनाने के लिए इस पे तीन बाल लगा देते हैं, जितने आपके सिर पे हैं। अब ये ज़्यादा भूखा नंगा ना लगे इसीलिए इसको जूते पहना देते हैं। अब एक रस्सी बनाने की कोशिश करिए ताकि इसको लटका सके, नहीं नहीं इसका क्राउन बना सके ताकि ये और क्यूट दिख सके। अब येलो क्ले से दो चार चांद सितारे बनाइए और इसके क्राउन पे अपने थूक से लगा दीजिए। और हाँ, जो आपने अपनी फ्रेंड की बैग से 2-3 रुपए वाले पेन चुराए हैं उन पेन को लीजिए और एक क्यूट सी स्माइल बना दीजिए। आप सोच रहे होंगे इसके हाथ क्यों नहीं है, क्योंकि वाकई में ही नहीं है, क्योंकि ये छोटा ठाकुर 2.0 है। इसके सफ़ेद बदन को दुबकाने के लिए इस पे और ज़्यादा फूलों की माला बना दीजिए। बस ध्यान रखिएगा माली ना बनने लगे। अब इसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग और लो हो गया हमारा पीपो रेडी। मेरी क्यूटनेस को देखना बंद करो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।